If x square plus 1 upon x square equals to 15, then find x plus 1 upon x and x minus 1 upon x. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे एंड इवन स्कूल लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका डिटेल सोल्यूशन की स्टेप बाय स्टेप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं जो आपको स्कूल लेवल एग्जाम जो होते हैं उसमें हेल्प करेगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका शॉर्ट ट्रिक कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस का आंसर विद इन 2 सेकंड्स आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगा। और वो शॉर्ट ट्रिक कैसे आया वो आप जब डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन एंड मेरा सभी से ये रिक्वेस्ट है प्लीज़ आपको वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको कुछ डाउट भी है तो भी बताइए और अगर आपको अच्छा भी लगता है तो भी वीडियो के बारे में आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू। सो जैसे कि यहाँ पर हमें x प्लस 1 अपॉन x का वैल्यू फाइंड आउट करना है और यहाँ पर हमें स्क्वायर वैल्यू दिया है मतलब x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का वैल्यू दिया है। तो x प्लस 1 अपॉन x जो है इसका अगर हम होल स्क्वायर ले लेते हैं सो वी कैन यूज द आइडेंटिटी दैट a प्लस बी द होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a जो है वो x है और b जो है वो 1 अपॉन x है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सो 1 अपॉन x तो 1 का स्क्वायर 1 एंड x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab सो 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय x। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर ये x और ये x जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा दैट इज 2ab जो टर्म है उसमें x और x कैंसिल आउट हो जा रहा है। अब यहाँ पर बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 दैट इज 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमें दिया है दैट इज 15 प्लस 2। यस तो यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन x द होल स्क्वायर जो है दैट इज 15 प्लस 2 सो x प्लस 1 अपॉन x द होल स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल्स टू 17। अब यहाँ पर हमें x प्लस 1 अपॉन x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। तो ये स्क्वायर जो है लेफ्ट हैंड साइड में वो हट जाएगा तो x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 17। यस तो जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों वैल्यू लेना होता है क्योंकि जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है और माइनस 2 का भी स्क्वायर 4 होता है तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज प्लस 2 और माइनस 2। बट अगर आप ज्योमेट्री पार्ट में लेते तो नॉर्मली हम वहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर करते क्योंकि वहाँ पर हम लेंथ से ही ज़्यादा करके चीज़ें कंसिडर करते तो लेंथ कभी नेगेटिव में नहीं होगा। बट अलजेब्रा पार्ट जो होता है उसमें हम दोनों वैल्यू कंसीडर करते हैं क्योंकि गिवन कंडीशन में दोनों ही वैल्यू सेटिस्फाई कर सकता है। बट यहाँ पर अभी मैं क्या करूँगा सिर्फ पॉजिटिव ही कंसीडर मतलब रूट 17 लिख रहा हूँ बट आपको ये ध्यान में रखना है कि वो प्लस और माइनस दोनों वैल्यू हो सकता है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिए तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू हमें क्या आया रूट 17। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगा इसका दैट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स जो है आप ध्यान दीजिए ये क्या आया 17। तो कैसे आया 15 प्लस 2 हुआ। तो यहाँ जो भी वैल्यू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो भी यहाँ पर वैल्यू दिया जैसे यहाँ पर 15 दिया अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकता है जैसे मैं इसको बोलता हूँ पी वो वैल्यू को मैं पी कंसीडर करता हूँ तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आएगा पी प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ पी प्लस 2। तो जैसे यहाँ था 15 तो स्क्वायर रूट 15 प्लस 2 तो स्क्वायर रूट 17 आ गया। अब जैसे यहाँ पर अगर 14 होता तो क्या हो जाता स्क्वायर रूट 14 प्लस 2 तो दैट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट 16 एंड स्क्वायर रूट 16 क्या होता है 4। यहाँ स्क्वायर रूट 17 था तो यहाँ पर हम रूट में ही वो वैल्यू छोड़ देंगे या हम चाहे तो उसको डेसिमल में उसका जो वैल्यू आता है वो निकाल सकते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। और इसका शॉर्ट ट्रिक भी है उसका ट्रिक क्या है वो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ जिन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि x प्लस 1 अपॉन x जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू रूट पी प्लस 2। अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू पी दिया है तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट पी प्लस 2। अंडरस्टूड। अब यही सेम अगर हमें x माइनस 1 अपॉन x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमें a माइनस बी द होल स्क्वायर। सो व्हाट इज a माइनस बी द होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab सो माइनस 2ax है और b जो है वो 1 बाय x है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए यहाँ पर x और x कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 2।
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमें दिया है, दैट इज 15 माइनस 2 एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 13. तो यहाँ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स जो है उसका होल स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 13. तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 13. बट यहाँ पर सिर्फ मैं पॉजिटिव अगर कंसिडर करूँ तो स्क्वायर रूट 13. देखो ये स्क्वायर रूट 13 जो है वो हमें कैसे मिला, दैट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 15 माइनस 2. तो जो वैल्यू दिया उसमें से हमने माइनस 2 कर दिया, तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक बनेगा वो क्या बनेगा, पी माइनस 2. तो यहाँ पर जो भी वैल्यू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर उसका जो भी वैल्यू दिया, जैसे अगर मैं पी कंसिडर करता हूँ तो वो हो जाएगा पी माइनस 2. तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का वैल्यू जो होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ पी माइनस 2. तो अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अगर आपको पी दिया है तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का जो वैल्यू होगा दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ पी प्लस 2. तो स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर हम प्लस और माइनस दोनों कंसीडर कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर अभी पॉजिटिव अगर कंसीडर कर रहा हूँ तो स्क्वायर रूट ऑफ पी प्लस 2. और अगर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने बोला गया है तो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ पी माइनस 2. अंडरस्टूड? सो दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक फॉर सच टाइप ऑफ question.